मैं हूं इमरान अलीशा, आप देख रहे हैं एमएम न्यूज टीवी। नाज़रीन, कबूतरबाजी तो आपने देखी होगी, लोग कबूतर की टोलियां उड़ाते हैं और उस पर शर्तें भी लगती है, लेकिन यहां पर हमारे साथ मौजूद है एक साहब जिन्होंने कबूतर ना सिर्फ पाला है बल्कि ऐसा कबूतर पाला है जो इनके कांधे पे सवार रहता है, इनके हाथ पे घूमता है, वो उड़ के कहीं नहीं जाता, अगर उड़ता भी है तो वापस आकर इनके कांधे पर ही बैठता है। जी, क्या नाम है आपका? सरफराज। सरफराज, कहाँ रहते हैं आप? शेरपाव कॉलोनी। अच्छा, ये कबूतरों का शौक कब से आपको? शौक तो बचपन से, छत अपने पास है नहीं तो हाथ पे हिलाया इनको। अच्छा, छत ना होने की वजह से हाथ पे हिलाया? हाथ पे हिला रहा हूँ। अच्छा, कितने कबूतर हैं आपके पास? मेरे पास टोटल 6 कबूतर हैं। 6 के 6 कबूतर आपके कांधे पे आ जाते हैं? 4 हिले हुए, 2 माँ बाप हैं। दो माँ बाप नहीं आते क्या? नहीं, वो तो किसी दोस्त से लिए हुए। कांधे पे नहीं बैठते? नहीं, वो नहीं बैठते। ये जो बच्चे पाले हुए इनको अपने हाथ हिलाया है। ये जो 4 बच्चे है ना, दो दो बच्चे दिए, इनको अपने साथ हिलाया। क्या खिलाते हैं आप इनको? चना, बाजरा, गंदम, बादाम, सब कुछ खिलाते। कभी खौफ नहीं होता कि ये उड़ जाएगा कहीं? नहीं नहीं, क्या खौफ है, हिला हुआ चीज़ है, क्या खौफ होगा इसे। कभी किसी ने आपसे कहा कि कबूतर हमें दे दे? ये भी जो है गुड़ रहे, और एक ये भी, ये 40,000 का मांगा, मैंने दिए नहीं। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि 40,000 का कबूतर इनसे मांगा गया, लेकिन इनकी मोहब्बत है कबूतर से, कबूतर पाला है इन्होंने और अपने साथ रखते हैं, लेकिन ये बेचने को तैयार नहीं है, अपने साथ रखते हैं। इनका कहना है कि 5 दिन तक ये कबूतर उड़ के चला गया था और 5 दिन बाद वापस आया है, लेकिन इनके पास ही वापस आया है। तो ये इनकी मोहब्बत है इन कबूतरों से, कबूतर अपने साथ रखते हैं। छत इनके पास है नहीं, इसलिए इनके कांधे पर सवार रहते हैं कबूतर और इनके साथ घूमते हैं।